हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है, इफ फेयर डाइज टॉस्ड, बेटा किसी डाई को टॉस करोगे अंटिल सिक्स ऑब्टेन, बेटा जब तक सिक्स नहीं आएगा उस टाइम तक आप इसे टॉस करोगे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस, बेटा एक्स हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस है कि अगर वन टॉस करोगे, टू टॉस करोगे, थ्री टॉस करोगे। बेटा टॉसेस डिपेंड करेंगे कि जब तक आपके पास सिक्स नहीं आएगा। What is the conditional probability of this term? बेटा हमें इसकी conditional probability find out करनी है। देखो बेटा question में, बेटा fair dice tossed until six obtained। बेटा fair dice अगर बेटा हम one toss करेंगे, one toss किस case में करेंगे बेटा? क्या आप toss करोगे and first attempt में आपके पास six आ जाए? बेटा six आने की probability favorable one divided by total six, one by six, six आने की probability। Now बेटा नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू टू मींस बेटा दो बार टॉस होगा। दो बार टॉस किस केस में होगा बेटा? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्स नहीं आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्स नहीं आएगा मतलब फाइव बाय सिक्स, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में सिक्स आ जाएगा मीन्स बेटा वन बाय सिक्स, फाइव बाय थर्टी सिक्स मतलब अगर बेटा सेकेंड अटेम्प्ट में सिक्स आ जाए। नेक्स्ट टर्म है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, मीन्स बेटा थर्ड अटेम्प्ट में आपके पास सिक्स आ जाए। थर्ड अटेम्प्ट में सिक्स किस तरह से होगा बेटा? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्स नहीं होगा बेटा, सेकेंड अटेम्प्ट में सिक्स नहीं आएगा बट थर्ड अटेम्प्ट में बेटा आपके पास सिक्स आ जाए, मीन्स 25 अपॉन 216 बेटा आपके पास। नेक्स्ट केस है बेटा आपके पास कि अगर आपका फोर्थ टर्म यूज करो मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में बेटा आपके पास सिक्स आ जाए। फोर्थ अटेम्प्ट में सिक्स किस केस में होगा बेटा? क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्स ना आए, सेकंड में भी सिक्स ना आए, थर्ड अटेम्प्ट में भी सिक्स ना आए बट बेटा फोर्थ अटेम्प्ट में आपके पास सिक्स आ जाए? बेटा ये सीक्वेंस बन जाएगा 125 अपॉन 1296 बेटा आपके पास। क्लियर है बेटा आपको टर्म? बेटा ये टर्म कंटिन्यू चलेगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब तक आप चलाना, मतलब इसका कोई एंड नहीं। बट बेटा इस क्वेश्चन को किस तरह करोगे? बेटा सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टर्म फाइंड आउट करनी है। फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा आपको रिजल्ट याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बेटा। न्यूमिनेटर में कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में जो पीछे वाली टर्म है बेटा उसे लिखो। बेटा अकॉर्डिंग टू दिस टर्म बेटा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 2 गिवन है बेटा, इसका इस मीट मींस ए एंड बी का कॉमन करो बेटा, दोनों टर्म्स का आप कॉमन करो। कॉमन ऑफ दीज टू टर्म इज बेटा इसका कॉमन करोगे एक्स ग्रेटर देन 5 यू इंटरसेक्शन x greater than 2 and denominator में बेटा हमारे पास टर्म आ जाएगी probability of x greater than 2। क्लियर है बेटा? नाउ बेटा न्यूमिनेटर में चेक करो, greater than equal to 5 and greater than 2 बेटा कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से? greater than 5 and greater than 2 कॉमन टर्म हो जाएगी बेटा हमारे पास, probability of x is greater than equal to 5 divided by probability of x greater than। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मींस बेटा अगर 5 से ग्रेटर टॉसेस होंगे, अगर आप डायरेक्टली सोचोगे बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेटा हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट केसेस कितने भी केसेस पॉसिबल हैं, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड बेटा ग्रेटर देन 2 में भी कोई एंड पॉइंट नहीं। बट अगर मैं इसे टोटल प्रोबेबिलिटी में से देखो बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है हर बार बेटा, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है बेटा, ग्रेटर देन 5 है, इसे आप लिखोगे जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, दिस टर्म इज रिटन एज बेटा इस टर्म को आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर हमें फाइंड आउट करना है बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5 करोगे बेटा हमारे पास ग्रेटर देन 5 वाला है। एंड डिनोमिनेटर में बेटा ग्रेटर देन 2 करना है, दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बेटा इसमें ग्रेटर देन 2 है मतलब 2 के बाद 3 से स्टार्ट होगा, सबट्रैक्ट करोगे तो लेस देन इक्वल टू 2 करोगे, लेस देन इक्वल टू 2 बेटा। इट मींस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं बेटा टर्म,
अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, बेटा ऐसे टर्म्स है बेटा, इस टोटल टर्म प्रोबेबिलिटी वन। बेटा अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, आपको फाइंड आउट करना है। ग्रेटर देन टू मीन्स बेटा ये सारी प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। देन बेटर क्या है बेटा, ग्रेटर देन टू आपको फाइंड आउट करना है। बेटर टर्म है, आप ये दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू टू। बेटा लेस देन टू में आपके पास वन एंड टू दोनों केसेस आ जाएंगे, मीन्स बेटा डिनोमिनेटर में वन एंड टू दोनों केसेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड सिमिलरली न्यूमिनेटर में वन टू फोर वाले केसेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो बेटा इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन देखो बेटा इस टर्म से, आप इस पार्ट को लिख पाओगे वन माइनस, चेक करो बेटा पार्ट, वन माइनस न्यूमिनेटर टर्म एंड डिनोमिनेटर टर्म दोनों को लिखोगे बेटा, न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा बेटा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन, टू, थ्री, फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, होल डिवाइडेड बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड बेटा टू। बेटा दो टर्म्स आपके पास सब्ट्रैक्ट, वन एंड टू, बेटा आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, सारे टर्म्स फाइंड आउट कर चुके हो बेटा। वो गिवन टर्म है, वन के लिए वन बाय सिक्स है फर्स्ट टर्म, वन बाय सिक्स, सेकेंड पार्ट के लिए बेटा टू के लिए फाइव बाय थर्टी सिक्स, थ्री के लिए बेटा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो उस तरफ ट्वेंटी फाइव अपॉन टू वन सिक्स, लास्ट पार्ट है बेटा वन ट्वेंटी फाइव अपॉन वन टू नाइन सिक्स, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है बेटा टर्म वन बाय सिक्स प्लस फाइव बाय थ्री। बेटा इसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन देखो बेटा टर्म में सिंप्लीफिकेशन, बेटा टर्म बनेगी वन माइनस एलसीएम आ जाएगा बेटा वन टू नाइन सिक्स, न्यूमिनेटर में टर्म आ जाएगी बेटा टू वन सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय वन टू नाइन सिक्स टू वन सिक्स, थर्टी सिक्स बाय दिस टर्म थर्टी सिक्स हो जाएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वन एटी हो जाएगा बेटा, सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी प्लस 125 होल डिवाइडेड बाय बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म आ जाएगा 1 माइनस 36 एलसीएम 6 प्लस 5 बनेगा बेटा टर्म। नाउ बेटा इस पार्ट की कैलकुलेशन, बेटा आपके पास जो कैलकुलेशन है इस पार्ट की वो कैलकुलेशन बन जाएगी, कैलकुलेशन देखो बेटा इस तरफ 1 माइनस बेटा न्यूमिनेटर में टोटल करते हैं, न्यूमिनेटर टर्म 230, 330, 430, 430, 530, 530 प्लस 25, 30 प्लस 40, 530 प्लस 40, 570, 571 तो ये नंबर आ जाएगा। मैं एलसीएम भी लगा रहा हूँ बेटा डायरेक्टली साथ में, बेटा एलसीएम भी यूज कर दो, 1296, 1296 माइनस 1296 माइनस बेटा जो आपके पास टर्म बनेगी 1296 माइनस टोटल देखते हैं बेटा, ये टोटल आ जाएगा 571, चेक करो 571 और 671 बेटा ये टोटल, दोबारा चेक करते हैं 100, 230, 430, 530 571 होल डिवाइडेड बाय बेटा डिनोमिनेटर में टर्म आएगा आपके पास 36 माइनस 11 बाय 36। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, आपके पास जो न्यूमिनेटर में बेटा टर्म आ जाएगी बेटा ये टर्म बन जाएगी आपके पास, बेटा ये 671 ही आएगा, 671 आपके पास न्यूमिनेटर में टर्म आ जाएगी बेटा 625 अपॉन 1296 इनटू 36 अपॉन 25 बेटा 25 एंड 36 बेटा 25 अपॉन 36 बेटा आपका फाइनल आंसर है बेटा, ये आपकी ऑप्शन ए फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए बेटा ये फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बेटा हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है, क्लियर है बेटा सर, थैंक यू।